हेलो दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने हेड माउंट पे एक वीडियो बनाया अपने नए एक्शन कैमरा के साथ। एंगल वॉज टू हाई एंड इसकी वजह से क्या हो रहा था कि काफ़ी सारा रूफ का एरिया कैमरे के सामने आ जा रहा था एंड आई वॉज अनएबल टू गेट द क्लियर व्यू ऑफ द फ्रंट। सो आज मैंने दो अटेम्प्ट किए बेसिकली। पहला अटेम्प्ट मैंने डैशबोर्ड के ऊपर कैमरा माउंट किया और डैशबोर्ड में एर्टिगा है मेरी गाड़ी, जो कि स्टीयरिंग व्हील के ठीक सामने एक कर्व है जिसके जो एर्टिगा में डैशबोर्ड का सबसे टॉप का एरिया है। मैंने कैमरा वहाँ पे माउंट किया विद द स्टिकी माउंट एंड देन आई टुक फ्यू शॉट्स। कैमरे की सेटिंग थी 1080 पिक्सल 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड एक्सपोजर कंपनसेशन वॉज -1/3 जस्ट टू कट डाउन द लाइट अ बिट, रिड्यूस द ब्राइटनेस एंड कायरो वॉज ऑन। सो एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी स्मूथ वीडियो कैप्चर्ड विद गुड कलर एंड ब्राइटनेस एंड द एंगल वॉज वाइड एंगल, सो इट वॉज कवरिंग अ गुड एरिया, ऑलमोस्ट द पर्स्पेक्टिव ऑफ ड्राइवर्स आई। काफ़ी अच्छा व्यू वाइड एंगल पे आ रहा था। फिर मैंने ड्राइव किया इसको अराउंड अपने घर के टू जस्ट टू गेट अ फील कि ड्राइविंग करते समय क्या एग्जैक्टली ये रिकॉर्ड कर रहा है। और कुछ कट्स पे ये काफ़ी अनरियलिस्टिक से रिकॉर्डिंग करता है। फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे ऐसा लगता है कि गाड़ी टच करने वाली है लेफ्ट या राइट, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा अटेम्प्ट मैंने किया जिसमें मैंने अपनी सीट काफ़ी नीचे कर दी एंड देन अगेन आई माउंटेड द कैमरा ऑन माई हेड। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट मैंने अपना हेड मूव करके एक व्यू लेने की कोशिश किया है। अच्छा व्यू आ रहा था, सीट नीचे करने की वजह से रूफ का एरिया कट गया था और काफ़ी अच्छा सामने का व्यू भी कैप्चर हो रहा था। अगेन मैंने थोड़ा सा ड्राइव किया अराउंड माय होम, कुछ कट्स पे, कुछ स्ट्रेट रोड्स पे और रिजल्ट्स अभी आपके सामने हैं। ये दोनों ऑप्शन माउंटिंग के मुझे अच्छे लगे और अपने ट्रैवल में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं और रिकॉर्ड करना चाहते हैं, साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं लोगों से, चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं किसी और को देके उससे हेल्प लेने के बजाय, आप खुद इस तरह से माउंटिंग करके बात करते हुए ड्राइविंग भी कर सकते हैं और आपके दोनों हाथ आपकी स्टीयरिंग पे होंगे, गाड़ी आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो डैशबोर्ड पे आप देख रहे होंगे एक माउंटिंग लगी हुई है, दिस वॉज द डैशबोर्ड माउंटिंग और ये क्लिप आप हेड माउंट से देख रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अपनी ट्रिप्स में मैं इस तरह के गियर्स को यूज़ करूँगा जिससे मैं आपको वो दिखा सकूँ जो मैं देख रहा हूँ या दिखाना चाहता हूँ और आप भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। थैंक्स फॉर योर टाइम।